हे hey दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है एक और एक धमाकेदार वीडियो में। ये देखिए, बॉलिंजर पार्ट 3 होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो इधर से मैं बॉलिंजर बैंड को हटा दिया हूँ और एक बार अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, तो वीडियो को अंत तक बने रही है। ये देखिए, सिर्फ 52nd कैंडलस्टिक पैटर्न में वर्क करता है। ठीक है गाइस, तो इधर से मैं कुछ मेरे फेवरेट इधर एसेट सेलेक्ट करके रख चुका हूँ। इधर से मैं देखिए गाइस, इधर से मार्केट का मैं हिस्ट्री फॉलो करके इधर से डाउन डायरेक्शन में कुछ ट्रेड इधर से ऐड किया हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं इंडिकेटर सेशन में। तो इंडिकेटर इधर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है गाइस, हमारी एंट्री सही लगी है या गलत। तो गाइस देखिए, वीडियो को यहाँ तक बने रहिए, काफ़ी कुछ आपको मज़ा आने फुल मज़ा आने वाला इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो इधर से हम बॉलिंजर बैंड्स ले लेते हैं। इधर से देखिए, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, कोई भी आपको सेटिंग में छेड़छाड़ी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना। देखिए, बॉलिंजर के बैंड के हिसाब से मेरी एंट्री थोड़ी मिस हो गई गाइस, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका रिजल्ट, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हम अच्छा खासा एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और बैक टू बैक विनिंग करने की कोशिश करेंगे, अच्छे सिग्नल्स पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गाइस, वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक बने रहना चाहिए आपको। ठीक है, एक कोर्स ही समझ लीजिए। ठीक है, पार्ट 3 है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर्स का, पार्ट 3 है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इसका रिजल्ट, और कुछ सेकंड बाकी है। ठीक है गाइस, देखिए विदाउट इंडिकेटर से मैं एंट्री लिया था, ठीक है, थोड़ा एंट्री मिस हो गई हमारी। देखते हैं इसका रिजल्ट, देखिए अभी तो देखिए 50-50 है। तो गाइस 3-2, तो गाइस देखिए, दो ट्रेड हमारे रिफंड हुए हैं और 6 ट्रेड हमको लॉस हुए। इधर से वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करके देखिए, हमारे मतलब इस वाले लाइन तक आ गया मार्केट। इधर से मैं मल्टीपल ट्रेड ओपन कर देता हूँ डाउन डायरेक्शन में। ठीक है ना गाइस, ये हमारा रिकवरी है। ये देखिए गाइस, जब भी देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से रिटेस्ट पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए गाइस। ठीक है, देखिए इस वाले कैंडल्स ने डाउन डायरेक्शन में ब्रेक दे दिया है, दोबारा जब रिटेस्ट है इधर से आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है, इधर से आप इजीली विन हो सकते थे, मेरी एंट्री मिस होने की वजह से वो लॉस हो गया। ठीक है, इधर से वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो किया हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट दोबारा उधर से उस वाले लाइन तक आ गया, हमारे वाले लाइन तक। इधर से डाउन डायरेक्शन में 110% आना चाहिए मार्केट को। तो देखते हैं और कुछ सेकेंड इसके अंदर बाकी है, 50 सेकेंड बाकी है गाइस। तो इसका रिजल्ट आने में और 10 सेकेंड बाकी है, ये तो ये 100% विन होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, तो गाइस लाइव आपके आंखों के सामने प्रॉफिट किया हूँ। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हम अलग अलग करेंसी पेयर पर हम कुछ इस इंडिकेटर को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये AUD USD पे आते हैं हम, इसका ट्रेंड। ठीक है गाइस, इधर से मैं रीटेस्ट पे एंट्री ले रहा हूँ गाइस, इधर से मैं डाउन डायरेक्शन में एंट्री लेने वाला हूँ। इधर से कुछ ट्रेड इधर से ऐड कर देते हैं हम। तो गाइस देखिए, मार्केट को थोड़ा रीटेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या होता है। और 30 सेकेंड बाकी है, देखिए वीडियो को यहाँ तक बनी रही गाइस। आप अगर आपको इस इंडिकेटर से अगर प्रॉफिट करना है तो ठीक है, सिर्फ बाय एंड सेलिंग करना है, बस उतना ही, कुछ नहीं और कुछ। ठीक है, अगर आप मेरे सिग्नल्स लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो लीजिए, उधर से मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो मैं इधर प्रोसेस आपको समझा दूंगा। देखिए मार्केट फुल वॉलेटाइल है। ठीक है गाइस, देखिए लास्ट सेकंड में अप डायरेक्शन में चला गया मार्केट, इधर से 3-1 गाइस, देखिए बूम प्रॉफिट हुआ है गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस कितना टाइम हुआ है, देखिए गाइस 6 PM हुआ है। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ का इंपैक्ट है, इधर से मैं अप डायरेक्शन में एंट्री ले रहा हूँ गाइस। देखिए एंट्री हमारी परफेक्ट लगी हुई है गाइस, तो उधर से मैं मल्टीपल ट्रेड ओपन किया हूँ, क्योंकि देखिए हर रोज़ 6 PM पे आपको एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, ऐसे कुछ कैंडल्स क्रिएट होने के चांस है मार्केट के। सिर्फ USD की करेंसी पेयर पर आपको एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है गाइस, देखिए आपको टाइमिंग बता दूंगा कब कब इसके ऐसे कैंडल्स बनने के चांस है मार्केट के। देखिए सुबह के लगभग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं देख सकते, बिनोमो में एसेट ओपन होते हैं लगभग 12:45 के करीब समथिंग। ठीक है गाइस, तो आपको उसी समय बताऊँगा। देखिए 6 PM पे इम्पैक्ट होने के चांस है और 7:30 को। ठीक है गाइस, 7:30 को इम्पैक्ट होने का चांस है मार्केट का USD करेंसी पेयर्स पर। ठीक है, देखिए ऐसे न्यूज़ पे आपको सबसे पहले देखिए ऐसे न्यूज़ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, देखिए काफ़ी सारा लॉस हो सकता है आपको, देखिए इस न्यूज़ पे अवॉइड कीजिए, कुछ समय बाद आपको ट्रेडिंग करना है।
ठीक है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको कम अमाउंट से आपको ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए गाइस, मैं इधर से न्यू सडनली ये वीडियो शूट करते वक्त न्यूज़ आ गया था, जैसे मैं अप डायरेक्शन में एंट्री लाऊँ, देखिए हमारे काफ़ी अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और 30 सेकेंड बाकी है इस ट्रेड्स के क्लोज होने में। तो गाइस देखिए, इधर इंडिकेटर कोई काम नहीं करता है, कुछ ऐसे न्यूज़ पे इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो और कुछ सेकंड बाकी है इस ट्रेड को क्लोज होने में, अगर क्लोज होता तो हम असेट को चेंज करके अलग करेंसी पेयर पर हमको ट्रेड करना है, ठीक है गाइस। तो ऐसे देखिए न्यूज़ आपको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आप कर सकते हो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कम अमाउंट से कीजिए, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, तो हमारा न्यूज़ इम्पैक्ट का एक जो ट्रेड है सक्सेसफुली हमारा विन हो चुका है। तो हम असेट को चेंज कर देते हैं, क्रिप्टो आईडेक्स में जाते हैं, देखते हैं। चलिए गाइस, इधर से मैं अप डायरेक्शन में एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। देखिए इस वाले कैंडल्स ने ब्रेक किया है मार्केट को, दोबारा जब रीटेस्ट पे आ रहा है मार्केट, देखिए 110% अप डायरेक्शन में जाना चाहिए मार्केट को हमारे हिसाब से, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए और डाउन डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। इधर से मैं अमाउंट को बढ़ा देता हूँ थोड़ा, 8,000 की, इधर से मैं मल्टीपल ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना गाइस। देखिए मैं मल्टीपल ट्रेड ओपन किया हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले वाला ट्रेड तो देखिए अभी 50-50 में है। तो और कुछ सेकंड बाकी है गाइस, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए गाइस, देखिए फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो चुका है गाइस। कि देखिए 11 ट्रेड लगाया हुआ था मैं 4,000 के, वो हमारा सक्सेसफुली विन हुआ है। अभी जो ट्रेड बैठे हैं मल्टीपल ट्रेड ओपन किया हूँ मैं 8,000 के, ठीक है। देखिए लाइव आपके आंखों के सामने ट्रेडिंग कर रहा हूँ गाइस, कुछ भी देखिए स्पिक वगैरह कुछ नहीं किया हूँ, बैक टू बैक कैंडल्स पे मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग करेंसी पेयर पर। देखिए मेरे को 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के दम पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आपको सीखना है, ठीक है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी कुछ आगे चल के मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। देखिए फुल मोबाइल स्ट्रेटजीज है, ये मोबाइल में भी वर्क करता है, बस आपको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए इस वाले जो भी इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इधर से देखिए 50 सेकेंड बाकी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है ये वाला इंडिकेटर, ठीक है। काफ़ी सारे मैं ट्रेड्स विन कर चुका हूँ। तो गाइस और कुछ सेकेंड, 5 सेकेंड बाकी है, 4, 3, 2। तो गाइस हमारा हो गया बूम प्रॉफिट, ये काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है गाइस, ठीक है। इधर से मैं अमाउंट को कम कर देता हूँ। ऐसे आपको मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हमारे हिस्ट्री बैक टू बैक विनिंग है गाइस, ठीक है ना, बैक टू बैक हमारे ट्रेड्स विन है। ये देखिए लाइव, देखिए कुछ ट्रेड हमको लॉस हुए थे फर्स्ट ट्रेड में हमको, ठीक है, 2 ट्रेड हमको रिफंड हो गया, 6 ट्रेड लॉस हुआ था, उधर से हमको बैक टू बैक विनिंग किया हूँ मैं बैक टू बैक, ठीक है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। और भी देखते हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे इसी करेंसी पे पर। चले गए इधर से, मतलब डाउन डायरेक्शन में ब्रेक किया है मार्केट ने, थोड़ा वेट करेंगे हम मार्केट को और थोड़ा नीचे आने देते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए 100% जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। इधर से मैं सबसे पहले मैं अप डायरेक्शन में एंट्री लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी इस वाले लाइन का ब्रेक होता है तो दोबारा रिटेस्ट के लिए जाता है मार्केट। चलिए गाइस, काफ़ी नीचे आ रहा है मार्केट, इधर से मैं अप डायरेक्शन में एंट्री ले लिया हूँ गाइस, ठीक है। 2 ट्रेड ऐड किया हूँ मैं अप डायरेक्शन में, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो 110% विन होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा रिटेस्ट होना चाहिए मार्केट को। तो गाइस और कुछ सेकंड बाकी है इस ट्रेड के क्लोज होने में। तो देखिए गाइस, सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे ही मोबाइल स्ट्रेटजीज की वीडियोस लाते रहता हूँ, ये मोबाइल में भी अच्छी तरीके से वर्क करता है। देखिए रिजल्ट आपके आंखों के सामने है गाइस, ये पार्ट 3 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो देखते हैं और कुछ सेकंड, 5, 4, 3, 2 गाइस बूम प्रॉफिट, इधर से डाउन डायरेक्शन में एंट्री ले रहा हूँ गाइस, ठीक है।
चलिए इधर से अप डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, इधर से मैं 110% इधर डाउन डायरेक्शन में आ गया। इधर से मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा देता हूँ, एक शॉर्ट शॉट है, इधर से डाउन डायरेक्शन में और भी एंट्री ले रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस काफ़ी सारे ट्रेड्स इधर से मैं ऐड किया हूँ मैं लाइव आपके आंखों के सामने। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से 100% रिजल्ट दे रहा है ये वाला कैंडल, अगर आप आपको एक बार यूज़ करके देखना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप इसको रियल में ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए छोटी अमाउंट से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से आपको 10 में से 7 ट्रेड इजीली विन हो जाएगी आपकी, ठीक है। सिर्फ आपको बाय एंड सेल करना है, जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। तो गाइस लास्ट के कुछ सेकेंड बाकी है, 5 4 3 2 1, ये हो गया बूम। गाइस लाइव आपके आपके सामने कितना सारा प्रॉफिट किया हूँ, देखिए एक लॉस के बाद बैक टू बैक विनिंग किया हूँ गाइस। देखिए ऐसे 110% ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है गाइस, मैं काफ़ी दिनों से इसको टेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा खासा मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। लाइव आपके आंखों के सामने बैक टू बैक विनिंग किया हूँ गाइस, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रैटेजीज की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। इधर से मैं और भी चलिए गाइस, अभी मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा क्योंकि देखिए अप डायरेक्शन में लेने के सोच रहा था, क्योंकि देखिए वॉल्यूम के साथ नीचे आया ये वाला कैंडल, इसलिए मैंने स्टॉप किया हूँ, ठीक है। इसमें तो देखिए अभी तो सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, इधर से मैं डाउन डायरेक्शन में लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये जो वाले जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है ना, ये इसमें मतलब इसमें कन्फ्यूजन कैंडल है, ठीक है। इसलिए मैं अप डायरेक्शन में एंट्री लेने की सोच रहा था। देखिए न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए मैं इधर से मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए न्यूज़ का इम्पैक्ट है तो इधर से मैं ट्रेडिंग को स्टॉप करने वाला हूँ। चलिए वीडियो का ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए गाइस, एक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये जो स्ट्रेटजीज बताए आपको अप्लाई करके बार देखना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए।